अस्सलाम वालेकुम सर राइट ओके सो आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ आई एम टेकिंग माय ए लेवल्स तो मेरा इन जनरल क्वेश्चन ये है अब फॉर इंस्टेंस में कंप्यूटर साइंस का मेरा इरादा है ठीक है अब अगर मैं जॉब करता हूँ ठीक है नाइन टू फाइव जॉब होती है तो उसके साथ हाउ आई एम गोइंग टू बैलेंस द दीन वाला चीज होती है कि अब मैं वहां से फ्री होता हूँ तो अगर मैं अपनी जो आ, मैं अपनी अर्ण लिविंग अर्न करता हूँ उसको मैं कॉम्प्रोमाइज करके अगर दिन की तरफ आता हूँ तो मेरा घर कॉम्प्रोमाइज होता है बट अगर मैं ऑब्वियसली बिल्कुल आ, उसी दुनिया के अंदर ही लग जाऊं तो फिर मेरी ऑब्वियसली आखिर कॉम्प्रोमाइज होती है तो मैं कहाँ पे एक्जैक्टली exactly एक लाइन ड्रा कर लूँ कि वेयर आई कैन यू नो क्रिएट अ बैलेंस सेकेंड मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आई एम स्टूडेंट राइट नाउ ओल्ड तो आई वॉन्ट के आप अपनी एक बायोग्राफी ऑटो बायोग्राफी भी शेयर करें कि जो यूथ है उनको आइडिया हो कि हाउ यू बेसिकली स्टार्टेड योर जर्नी आपको बेसिक मोटिवेशन कहा से आई आपने जो बुक्स वगैरह जितना भी आपको लिटरेचर जो आपने स्टडी किया वो कहाँ से किया किसी आपने पर्टिकुलर टीचर की अंडर अपने रह के सारी जो अपनी नॉलेज वगैरह किया जो जो आप, आप, आप अपना इसका काम कर रहे हैं तो राइट उस तरह भी आप एक कर सकते हैं तो या दूसरा सवाल जो है आपका आसान सा है उसका जवाब चूंकि नाम में है तो इसलिए जल्दी दे देता हूँ ये स्क्रीन शेयर मत कीजिएगा प्लीज ये लाइव मुझे इसीलिए दिक्कत है कि मैं पाकिस्तान में ये काम करना ही बंद कर दू आर नॉट नो वाई वी आर नॉट हैंडलिंग आर रिलीजन सेंसिटिवली दीन के मामला में भी हम कैजुअल हुए में स्क्रीन शेयर मत कीजिए प्लीज दिस इज गोइंग लाइव ऑन एन थाउजेंड दिस वीडियो लाखों लोगों ने एक्सेस करना है सीरियसनेस और साइकोलॉजिकल ही हो जाएगा अगर डिस्ट्रैक्शन आ गई तो तो मेरी कोई औकात होती ना तो मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी छाप देता मेरा मेरे ऑटोबायोग्राफी से नुकसान ही होना है फायदा नहीं होना किसी को ठीक है वो एक ओवर डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी वो नो साहिल अदीम का कोई फायदा नहीं है जब तक यह साहिल अदीम की शख्सियत का या उसकी हिस्ट्री का साइकोलॉजिकल uh, सप्रेशन तो आ सकती है उससे uh, किसी किस्म की असेंशन ऑफ थाट नहीं मिलेगी बच्चों को तो ज्यादा नुकसान होगा बड़ों को थोड़ा कम मगर नुकसान फिर भी फायदे से बहुत ज्यादा है फायदा किसका होगा और कितना होगा इसकी कैलकुलेशन है मेरे पास किसी भी बायोग्राफी के जमरे में तो so, वो इतना फायदा नहीं जितना नुकसान है उसका ओके okay, सो so, एक ही बायोग्राफी पढ़नी है हमने और वो है मोहम्मद बिनाड जितनी कम हो बाकी दुनिया में ऑटोबायोग्राफी उतनी जल्दी मुसलमान बच्चा और बच्ची असली ऑटोबायोग्राफी तक पहुंच जाएगा विच इज दिया प्रॉफिट सलम तो पहला सवाल है ना आपका वो ये है कि नाइन टू फाइव जो आपके बाद में दीन में कैसे काम दूंगा ऐसी कौन सा काम है दुनिया में जो नाइन टू फाइव के मतलब दीन ऐसी क्या डिमांड कर रहा है आपसे सोचे जरा दीन क्या दुनिया क्या डिमांड करी हम सब ने पीएचडी कर ली हुई है औरतों ने भी आदमी ने इवन हाउस वाइफ को भी पता है पूछे ना कि क्या करती हो तो ऐसे ऐसे बिजी बिजी स्केड्यूल बताएंगी और मर्द भी के बड़े बड़े यूएन का चेयरमैन भी हैरान रह जाएगा कि अल्लाह इतना काम मतलब तुम जिंदा कैसे हो हमने दुनिया के सारे के सारे स्केड्यूल्स को पीएचडी कर ली हुई है तो इट्स इट्स क्वेश्चन हम सबको पूछना है कि दिन ने मेरे लिए का कौन सा हिस्सा मांगा हुआ है दीन ने आपका अफेक्टिव तरीन हिस्सा मांगा हुआ है जिसमें आप होश में हो हासिल करना है पूरी कंसंट्रेशन से पढ़नी पड़ेगी किताब वो तो होश का कौन सा टाइम है कोई काम और स्किल सीखनी है अपने हवास पूरी तरीके से आपके रोशन हो पूरे के पूरे खान दिमाग के खुले हों तब स्किल आएगी एनर्जी बॉडी की हो इतनी कि वो उस स्किल की प्रैक्टिस में वक्त दे सके दीन की डिमांड के एंगल से देखेंगे आप दुनिया को दीन की डिमांड्स क्या है दीन और दुनिया बैलेंस क्यों करना है आपने सोच दीन और दुनिया क्या मतलब है बैलेंस करने का इतनी बड़ी रॉकेट साइंस क्यों बनाई हुई हमने दीन और दुनिया बैलन... एक कतरा है कतरा भी सबकी भी कोई औकात होती है दुनिया की जितनी भी औकात नहीं है दिन की इतनी बड़ी डिमांड्स हैं और आपने कतरे को समंदर से बैलेंस करना है तो परस्पेक्टिव ही गलत है अगर दीन के एंगल से दुनिया को देखेंगे तो दुनिया भी रोशन होगी दुनिया में भी आपने वही मकाम हासिल करना है जो कि गोरे को मांग रहे हैं बल्कि ज्यादा ऊंचा मकाम हासिल करना है वरना लोग आपको फॉलो ही नहीं करेंगे आप अट्रैक्टिव नहीं होंगे तो आपके एटीट्यूड्स नहीं डेवलप हुए आप इनकॉम्पिटेंट होंगे अपने काम में वैसे ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सेटर हो जाएगा सेल्फ एस्टीम जीरो हो जाएगी ऐसे बंदे ने क्या दीन का बोझ उठाना है सेल्फ एस्टीम के लिए कोई भी काम आप करते हैं तो उस काम की महारत आपके लिए बेहद जरूरी है चाहे वो कंप्यूटर साइंसिस का हो वैसे साइंसिस का हो सोशल साइंस का हो रेडी भी लगानी हो आपने तो दीन ने तो उसके ऊपर सारे असूल बताए हुए माहिदा किया है तो पूरा करना पड़ेगा कोई मिलावट नहीं करनी है आपने किसी भी किस्म का झूठ नहीं बोलना मतलब और किस लिए है अपने कामों के लिए ना नाइन टू फाइव के कामों के लिए ना सारे उसूल तो महारत तो आपको फिर भी लेनी पड़ेगी तो वो काम अगर आप दीन के एंगल से करेंगे तो वही कंप्यूटर साइंस आपको सवाब दे रही होगी आपको पता होगा कि मैंने इस्लाम का एक, एक रिप्रेजेंटेटिव हूं मैं एक हूं अपने दीन की इकाई हूं मैं दीन का इस हिस्सा हूं मैं आई एम अ परसेंटेज ऑफ माई रिलीजन विच रिप्रेजेंट दैट मैन सलाह मोहम्मद बिन is also ए पार्ट ऑफ द सेम रिलीजन आई एम दैट यूनिट दिन आपको ये पता चलेगा फिर आपको फिर वो मेहनत करनी पड़ेगी ना इन कंप्यूटर साइंसिस में भी वो फिर वो मकाम जो फिर किसी इंसान ने सोचे नहीं है तजदीद और इरतका दोनों करने पड़ेंगे आपको अपनी इस फन के कंप्यूटर साइंसिस को कहाँ से कहाँ लेकर जाना पड़ेगा आपको वक्त तो फिर भी देना पड़ेगा मगर फिर वो हर वक्त हर लम्हा स्वभाव में कन्वर्ट हो जाएगा इसलिए तो मैं कह रहा हूं पैसे को मकसद ना बनाएंगे फिर देखें क्योंकि आप एक्सेलेंस ले रहे होंगे जो दिन की डिमांड है किसी भी एक सब्जेक्ट मैटर से वो तो दुनिया की डिमांड नहीं है ना दुनिया की डिमांड तो बहुत आगे हजारों साल की डिमांड करता है दिन तो वो वो एक्सीलेंस मिलेगी कि पैसा खुद ही पीछे आ रहा होगा मगर हम दीन के एंगल से कोई काम देखते ही नहीं हम दुनिया और पैसे के एंगल से देखते हैं फिर नौकरी के जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं उनसे पूछे भाई टारगेट सेट किए हाँ जी टारगेट सेट किया क्या टारगेट है सब बताएंगे डॉलर साइन मिलियंस बिलियंस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स महीने की तनख्वाह ये तो औकात है एक मुसलमान की आजकल एक मुसलमान होने के बाद भी आपने ये वाले टारगेट रखे हैं आपको नस्लों में टारगेट रखते आप वही काम आपका कहां से कहां पहुंचा देते आप अगर नस्लों में टारगेट रखते कि मेरा इतने नस्लों पे इतने लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर असर करना है मैंने किस चीज़ का अल्लाह अला के करीब कैसे आप मैं उसूल, ऐसे उसूल रखा हूं रखे मैंने काम के अंदर तजारत के अंदर कि लोग कहेंगे हाँ ये कुरान ने सिखाई थी मुझे तजारत देखो कुरान के असरा कैसे होते हैं ये बंदा दो नबरी नहीं करता ये बंदा माहिदा पूरा करता है ये बंदा किन किन असूलों के ऊपर तरवीज और यू नो डिवेलपमेंट प्रोग्रेशन कर रहा है मगर नहीं हमने दीन के असूल बस एलियनेट किए हैं है एलियनेट करने के, के पीछे क्या फिलासफी है वो उसकी तफसील लंबी है उस, इसमें तो नहीं मैं जाऊंगा और हम सबको पता है दीन को एक कंपार्टमेंट में डाल दिया हमने सो so, जब तक आपको ये पता होगा कि दुनिया एक छोटा सा कतरा है दीन के अंदर है तो बैलेंस क्यों करना है दीन को इतनी बड़ी कायनात के अंदर एक जर्रे को बैलेंस करना है आपने बात की है टारगेट की ठीक है तो अगर फर्ज कर लेते हैं इनशाला टारगेट रखता हूँ मुस्लिम राइट नाउ राइट मेरा टारगेट सेट है बट मेरी जो एक्सर्शन है वो बेसिकली तो उसी तरफ हो रही है ना जो मेरा माइंड सेट है वो उधर ही है उसी एक सर्कल के अंदर मैं घूम रहा बनाऊँ जब मेरी बेसिक एक्सर्शन ही वहां पे है तो हाउ कैन आई एक्चुअली परफॉर्म समथिंग अबाउट दैट जो मेरी टारगेट है उसके अकॉर्डिंगली जब मेरा बेसिक जो मेरी एक्सेशन है वो उसी सर्कल के अंदर मैं घूम रहा वही तो, तो कह रहा हूं आप कोई भी फील्ड पकड़ लें आप मुझे ये छोड़ें कि कंप्यूटर या या उस नौकरी कंपनी की या काम की क्या डिमांड है आप ये देखें कि इंसान के ऊपर दीन की क्या डिमांड है आपको खुद ही पता चल जाएगा एफेक्टिविटी तो आपको हर काम में लेके है जो भी कर, हर आप अठारह फील्ड में तो नहीं जा सकते ना एक ही फील्ड में जाएंगे सो डिमांड ऑफ इस्लाम इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम ऑन एवरी ह्यूमन मैन एंड वुमन सेम है अल्लाह को पता है क्या अलग अलग इंतजाम अल्लाह ने हर इंसान को अपनी अपनी लाइफ में डाला है मैं और आप एक लाइफ में नहीं आ सकते ठीक है मगर उसूल हम सब पे एक लग गए इसका मतलब है हमने दीन के एंगल से देखना हमारे पास एप सेंटर है किसी और फलसफे में एब सेंटर नहीं डिक्लेयर हुआ अल्लाह के फलसफे में हो गया कि भाई सिंपल आखिरत के ऊपर मरकूज कर दो हर काम आप जब करोगे उसका हर सवाल होगा हर लम्हे का हर मामले का सवाल जवाब होगा सेंट्रलाइज कर दिया दीन को अब आप जिस मर्जी फील्ड में जाएंगे जब तक आपकी फोर साइट आगे से आगे पहुंचाने की नहीं होगी मतलब सही चीज के सही मामला को उस तरक्की को के असरा को तो तब तक आप मैं आपको मिसाल देता हूं क्या नाम है चलिए आपका जो भी नाम है ठीक है मोहम्मद अली नाम है आपका फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे वैसे पूछ आप कंप्यूटर साइंसिस में हाउ आर यू कंपेयरिंग योरसेल्फ सेल्फ एज अदर पीपल ऑफ द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट एंड फील्ड क्या क्या आपकी रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ योर कॉम्पिटेंस एंड इन टर्म्स ऑफ योर अचीवमेंट किस पर्पज से आपने करनी है कंप्यूटर साइंस अभी पता चल जाएगा कि आपने किस एंगल से पकड़ा हुआ सब्जेक्ट मैटर को यू नीट अंडरस्टैंड वेन आई पिक आप न्यूरोबॉलॉजी आई न्यू फ्रॉम डे वन खैर मेरी थोड़ी ट्रेनिंग हुई थी मैंने साइकोलॉजी इस से नहीं पकड़ी थी कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊँ न्यूरोबॉलॉजी तो मैंने पकड़ी इसलिए थी कि अल्लाह के करीब हो जाऊं मैंने आगे पहुंचानी है बात साइंस इसके अंदर राज छुपे हुए नजर आ रहे हैं आ रहती है नजर ढूंढने वाले को हर चीज नजर आ रही है जो भी जिस नीयर से आप ढूंढेंगे वो चीज नजर आ जाएगी आपको जिस भी चीज की नीयर से ढूंढ रहे होंगे आप सो so, क्या हुआ फिर वो फिर वो और आज अफशां हुए अब मैं ये तो सोच नहीं रहा होता हूँ कि यू नो पैसे कितने कमाने न्यूरो से मैंने तो मैं पढ़ाया भी नहीं न्यूरो आई आई टीच टीच फॉर वन डे पता नहीं कितने साल हो गए हैं मुझे रोज आर्टिकल्स रोज किताबें रोज डिस्कशंस कहाँ कहाँ जाना पड़ता है मैं तो कुछ ऐसे मामला में कुछ ऐसे मुल्कों में भी गया हूं जहां पे मैं आपको बता नहीं सकता हूं क्यों क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस थी ही उधर ढूंढना था कि ये काम उन्होंने किस एंगल से पकड़ा क्यों क्योंकि पर्पस वो था और ये मैं हर एक हर एक को पता होता है पैसों के पर्पस में भी लोग कॉन्फ्रेंसिस अटेंड करते हैं अफ्रीका में भी जाके यूरोप में भी जाके क्यों नेटवर्क बढ़ानी होती है सेल्समैन ने जा जाके लोगों से मिलते हैं बढ़ेंगे तो क्लाइंट आएंगे हर हर फील्ड में डिमांड्स वही हैं। उसूल क्या है कि जब भाई अब सौ साल बाद जब तरक्की होगी तो मैं इस्लाम को किस तरीके से दिखा सकूंगा दिमाग के उन हिस्सों के अंदर जो न्यूरोबायोलॉजी खोल रही है इस्लाम को दिखाना है अल्लाह तला ने सब कुछ इनी के अंदर दिया so, ताजिर है एक सिंपल आलू की रेड़ी लगाता है समझ लें उसने क्या आगे तरवीज करनी है सौ साल की उसने बताना है अल्लाह के उसूलों के ऊपर मैं तजारत करके दिखाऊंगा लोगों को मैं बता देता हूँ आपको इस्लामाबाद के पिंडी के लाहौर के वो वो दुकानें जो अल्लाह के उसूलों में काम कर रहे हैं वो चलते हैं नहीं चलते हैं पैसा आता नहीं पैसा आता नहीं आता जीरो पैसे आते हैं इट्स नॉट आवर बिजनेस हमारे बारे में जो इंप्रेशन आगे जाता है वो किस बिना पे जाता है उस किस नीयत से जाता है कि भाई मैं दो नंबरी नहीं करने दूंगा अब आप है आलू की रेड़ी लगाएगा एक बंदा उसने दुनिया की इरतिका उस तरह तो नहीं लेके जानी मगर इस्लाम वो भी ऑप्शन दे रहा है रेड़ी वाले को भी कि भाई ये बंदा सच बोलता है ये बंदा साफ बताता है इतने के लिए इतना प्रॉफिट रखूंगा मैं ये साफ बताता है ये चीज इतनी खराब है इतनी ठीक है हर काम के अंदर आपने एंगल जो देना है ना एंगल बेस के ऊपर जो एंगल देना है वो यही देना है कि मैंने दीन की खिदमत करनी है तो वो हर काम में कर रहे होंगे आप रही बात क्या सर जब ये काम कर दूंगा तो बाकी के काम भी तो करने हैं इस्लाम के मुझे बताए ना वो क्या डिमांड है इस्लाम की वो वर्ल्ड व्यू क्या सेट हुआ है आपका कि क्या आप क्या समझ रहे हैं कि नाइन टू तो फाइव के बाद छह घंटे देने दो घंटे देने एक घंटा देना किस काम के लिए आगे क्या आगे क्या सोचा हुआ है फोर साइड क्या है आपकी दूरंदेशी क्या अलार्म बजा रही है आपको आपने को अगर वो क्लियर है तो मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ आप अभी ए लेवल या ओ लेवल कर रहे हैं तो अभी यू आर नॉट रियली फ्यूचर फॉर हंड्रेड बट फिफ्टीज लेट थर्टीज के बंदों ने तो आगे सोचना है अगर वो तो इस्लाम मुसलमान इस्लाम में नहीं दाखिल साल के मसाइल नहीं देख रहे और उसकी बिना, बिना चाहे जिस मर फील्ड में हो आप इट मैर आप ऑयल की फील्ड में आपनेजमेंट you know, uh, साइंस में मार्केटिंग में सेल्स में आगे क्या देख रहे हैं आप वाई आर यू डूंग तो जितना नीचे जाएगा बंदा पैसों के लिए जा रहा होगा उसके अंदर भी उसूल तजारत के रख रहा होगा उसका आगे से इतना कोई ताल्लुक नहीं होगा तो फिर भी एक इकाई के तौर पर अपने ऊपर तो इस्लाम नाफिज करना पड़ेगा ना उसको उसूल तो नहीं करने पड़ेंगे ना तो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते आप